नमस्कार मित्रों, मैं ऐसे ही जौनपुर से बदलापुर जा रहा था। बीच में मेरी मुलाकात हो गई नागा बाबा से। ये लगभग 2200 किलोमीटर इस साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। ये हर साल यात्रा करते हैं। इसके पहले इन्होंने बैटरी की साइकिल से यात्रा कर रहे थे। 50 किलोमीटर चलती थी, फिर डिस्चार्ज हो जाती थी। तो इनको लगा कि बैटरी वाले रिक्शा इनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए दोनों हाथ से चलाते हैं। अब बाबा जी से जानकारी लेते हैं। बाबा जी बिहार के रहने वाले, बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। जी, हमारा जन्म भूमि हो गए, ग्राम पोस्ट बीरपुर है, थाना जुड़ावनपुर है, जिला वैशाली, सब डिवीज़न हाजीपुर, प्रखंड राघोपुर, रजिस्ट्री महनार। किंतु ये 17-18 साल से यात्रा कर रहे हैं और वहाँ से जब चलते हैं मथुरा से तो हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से ब्रिज घाट गढ़गंगा जाते हैं, गढ़गंगा से काशी विश्वनाथ आते, ये संगम आते हैं बनारस, यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज, वहाँ से छूटते हैं तो काशी विश्वनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ से छूटते हैं सुल्तानगंज जाते हैं, सुल्तानगंज से डायरेक्ट बैजनाथ धाम जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आगरा होते हुए फिर वापस मस्थान पर जाते हैं मथुरा। बाबा जी साइकिल आप चलाते हैं, इतना तो थकते नहीं आप? नहीं, आराम आराम से चलाते हैं, अगर तेज़ से चलाएंगे तो थक जाएंगे ही, आराम आराम से रेस्ट लेते हुए चलते हैं। कब से आप यात्रा पे निकले हैं? यात्रा में हो गए आज हमारा 1 महीना 7 दिन 8 दिन हो ही रहा है जी। तो कहाँ से आप निकले थे? कोयल गांव मथुरा से निकले हैं, राया पड़ता है। अभी जा कहाँ रहे हैं? अभी ही वापस जा रहे हैं कोयल जी गाँव में, वहाँ स्थान पर जा रहे हैं जी। बताइए बाबा जी, आप अपने लिंग में इस सीकर से क्यों जकड़े हुए हैं? ये नस टूटा रहता है और किसी भी स्त्री हो, किसी भी हो, अपना भी मान लीजिए, सबका माँ बहन एक ही होते हैं। ये नहीं है जो दूसरे है तो दुष्ट तरह से देखते रहे। तो हम लोग के धर्म में सबको नस टूटा रहता है और चूतर पर द्वारिका का छाप दिया जाता है जी। वो जो छापते हैं गर्म रहता है जी, गर्म रहता है, लाल करके तब दागा जाता है। तो ये बताइए बाबा जी, आप घर से निकले, आपके माँ बाप पाले पोसे होंगे, आप छोड़ दिए होंगे, तो माँ बाप आपको ढूंढेंगे नहीं? हाँ, ढूंढे थे और बहुत प्रयास भी किए ले जाने के लिए, किंतु हम बोले जे देखिए, जब तक आपको पुत्र थे, जब तक आपको पास थे, अब केवल आप ही को पुत्र नहीं, अब संसार को पुत्र है और संसार हमारे लिए जी। बाबा जी ये बताइए, आप जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है वहाँ जाते हैं, वहाँ तमाम महिलाएं दर्शन करने आती हैं, तो आप लोग पैर क्यों नहीं छूने देते हैं? पैर इसीलिए नहीं छूने देते हैं क्योंकि हम लोग के धर्म में स्त्री से अलग रहना जी। स्त्री को हम लोग सट भी नहीं सकते हैं और स्त्री को हम लोग अक्षोप मानते हैं जी। तो ये बताइए बाबा जी, गांजा उजा चलता ही नहीं आपका? नहीं, गांजा नहीं पीते हैं, पहले पीते थे किंतु गांजा छोड़ दिए, जब से तबीयत खराब हो गया। अगर गांजा पिएंगे तो ये 10 किलोमीटर भी नहीं चलेगा। ये बताइए बाबा जी, लोग तो कहते हैं जब से गांजा नहीं मारेंगे, भांग नहीं पिएंगे तो शरीर में मज़ा नहीं आता, भोले बाबा खुश नहीं होंगे। ये सब अपना मन मर्जी है, जब मर्जी जब पी सकते हैं, जब मर्जी जब छोड़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो नाशा किए तो वो हम अपना ही लिए, ये मन का एक अपना आती है रस है जी। तो ये बताइए बाबा जी, कुछ मैं ऐसी बात आपको कहूँगा, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, लोग बाबा का भेष धारण करके लोगों को लूटते हैं, सही है गलत? तो इसी में तो सबको बदनाम हो रहे हैं, करते ये कहे लेकिन बदनाम सब हो रहे हैं। इन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या करेंगे, हम वो तो पब्लिक ही कहेंगे ना, यानी हम किसी को अवहेलना नहीं कर सकते हैं, जहाँ इनको हम अवहेलना करें या उनको अवहेलना करें, हमारे लिए सब आदमी बराबर है। या छोटा संत हो, रामानंदी हो, सनातन हो, अगरपंथी हो, पारकी हो, या लंगेश्वर जी हो, कोई भी हो, हमारे लिए सब बराबर है, किंतु हम किसी को अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अभी तक बाबा जी कितना मुर्दा खाए हैं आप? मुर्दा हम लोग एक भी नहीं खाए और सब मुर्दा भी अगर खाते हैं किंतु सब मुर्दा खाया नहीं जाते हैं, और सब मसान में जाया भी नहीं, मसान मुर्दा भी होता है और जिंदा भी होते हैं, दो तरह के मसान होते हैं, तो मुर्दा मसान अलग है, जिंदा मसान अलग, और मुर्दा भी वही खा सकते हैं जो अगला जन्म में मनुष्य होगा, वो मुर्दा खा सकते हैं, जो मनुष्य होगा उस नहीं होगा उसको खा ही नहीं सकते हैं। तो कैसे मालूम हो जाता कि अगला जन्म में? वो मंत्र के द्वारा वाहन होते हैं उसका जी। तो
बाबा में सबसे बड़ा अवघड़ होते हैं कि नागा? नागा होते हैं। अवघड़ में क्या अंतर है और नागा में क्या अंतर है? बहुत का अंतर है। थोड़ा बहुत एक दो अंतर आप बताइए। अवघड़ हुए जो मशान में, उनको गांव में भी घूमना मना है जी। जैसे नागा बाबा जो होते हैं वो लिंग उनका खुला रहता है, सिकड़ बांधे, आप तो ढके होके हैं, क्यों? ये गांव समाज लोग का चारी देख के अब पहले वाला समस्या रह नहीं गया जी। पहले वाला पहले खोल के चलते थे जी, बिट्टी पहनते थे, नागा में भी बिट्टी पहनते हैं। एक जैसे बाबा जी बताइए, जब अपने समाज में आप लोग एकत्रित होते होंगे तब वहाँ भी ढक के रखते हैं खोल के? नहीं, स्थान पर ऐसे एक बिट्टी पहने रहते हैं जी। तो बाकी जितने नागा बाबा हैं सबके लिंग में सिकड़ लगा रहते? सबको लगा रहते हैं। सिकड़ लगाता कौन है? सिकड़ वो गुरुजी है, उसी टाइम में सप्त दिया जाते हैं, उसी टाइम में लगाए जाते हैं, उसी टाइम में द्वारिका के छाप देते हैं, रड गरम करके सटाक दागते भी मतलब है। नागा बाबा अगर कोई बनना चाहता है तो पहले राड गरम करके उसको नष्ट दागा, पहले नष्ट टूटता है उसको, लिंग का नष्ट तोड़ा जाएगा जी। उसके बाद चूतर में काम नहीं कर सकता, लिंग काम न करे, उसके बाद चूतर में जी। अच्छा बाबा जी, दर्द नहीं हुआ था? नहीं नहीं, दर्द का होंगे, दर्द क्या होंगे उसमें? भगवान के लिए जिंदगी त्याग दी, सब प्रभु परमात्मा का ऊपर है जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो नागा बाबा होते हैं वो खाली बहकाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं? बहकाते नहीं है, जैसे अपना अपना समाज होते हैं, कहना में है, एक कहावत सुने होंगे। आप ये सिकड़ बांधे हुए हैं अभी, ये थोड़ा सिकड़ थोड़ा सा आप देख सकते, देखिए यहाँ सिकड़ बांधा हुआ है, ये सिकड़ है, ये देखिए ये लगे हैं, लाख लगा रहता है जी। चाबी किसके पास रहती है? चाबी किसको? चाबी किसी को पास नहीं रहते है, वो बिल्डिंग हो जाते हैं, बिल्डिंग हो जाता है जी। मतलब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। आपके गुरु जी का क्या नाम है? हमारा गुरु जी का नाम राजकुमार है, उर्फ राकेश भी है जी। कितने साल से आप नागा बाबा हैं? इसमें हम करीब बचपन से ही, 8-9 साल की उम्र था जब से ही हम इस लाइन में आ गए। अगर आपके माँ बाप यह वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हम तो सबको कहेंगे, ये नहीं जो अपना ही माँ बाप अपना ही होते हैं, संसार में है सब माता पिता ही है हमारे, क्योंकि सबको लिए हम प्रभु परमात्मा से यही कहेंगे जो हे प्रभु परमात्मा नारायण, जो सबको आप सुखी करिए, सबको सुखी रखिए। अगर संसार सुखी है तो हम लोग भी सुखी है, संसार दुखी है तो हम लोग खुद को ही दुखी हो जी। तो बाबा जी, खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना अपना कहीं मंदिर देखते हैं, देवस्थल वहाँ रोक के अपना बना ही लेते हैं, राशन पानी खरीद लेते हैं, किंतु मांगने का हम लोग में धर्म कहीं नहीं है। तो नहाते वहाते कैसे हैं? सिकड़ बधा रहते जी, नहाने का कहें अगर देवस्थल पर रुके, वहाँ चापा कला और वहाँ नहा ही लिए। तो कपड़ा क्यों नहीं पहने हैं आप? कपड़ा सिलाया हुआ बस्तर हम लोग में नहीं पहनते हैं। तो किस प्रकार का बस्तर आप लोग पहनते हैं? जी वो खुला बस्तर धर यह जो थान वाला आते हैं वही बस्तर पहनते हैं हम लोग। लगभग कितना किलोमीटर आप चल चुके हैं? 2200-2300 किलोमीटर चल चुके हैं। कितने सालों से यात्रा करते हैं आप? ये 17-18 साल से कर रहे हैं। 17-18 साल जी। तो क्या कुछ मनता है, कुछ सोच है? नहीं, मनता सोच क्या रहेगा, सब प्रभु परमात्मा के अब यात्रा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम साइकिल यात्रा भी करते थे, तो ये 2015 में एक्सीडेंट हो गया था सुइया पहाड़ में, उधर से वापस आ रहे थे जी जी जी। ये जो आप जट बांधे हैं, लोग कहते हैं कि नागा बाबा हुए या साधु हुए जट अपनी खोलते नहीं, कुछ लोग तो खोल देते हैं गुस्सा में मीडिया के सामने, सही है गलत? ये तो अपना दिखावट के लिए है जी। लेकिन लोग तो खोलते नहीं जल्दी ना? ये बोले नहीं जो अपना दिखावट है, जो हम है, यानी हम का बीमारी अभी भी संसार में है, और हम का जो बीमारी है वो निराकार का भोजन है। हम का किसी को बीमारी नहीं रखना चाहिए। हम ऊपर का कपड़ा साफ कर लिए साबुन तेल से, अंदर में अगर कचरा साफ कर लेंगे तो हर चीज़ प्राप्त कर लेंगे। जाते जाते गुरु जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पहले की सरकार में बाबाओं की ज़्यादा देख रेख होती थी कि आपकी सरकार में? हम लोग में तो कोई फर्क नहीं, हम लोग तो जैसे पहले थे वैसे अभी भी है, ये नहीं है जी। हाँ, ये अभी सरकार बने योगी जी तो इन्हें को रहने से ज़्यादा सुरक्षा है, किंतु नहीं, जैसे पहले थे वैसे अभी भी है हम लोग, सब बराबर है जी। तो अभी आप जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं वापस स्थान पर जा रहे हैं, कोयलगांव मथुरा राया। कब तक पहुँच जाएंगे? ये कोई लिमिटेड नहीं है जो कब तक, वो अपना चलाने का ऊपर है अभी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके बाबा जी। ये लगभग 2200 किलोमीटर का साइकिल चला चुके हैं, अभी लगभग
800 किलोमीटर और चलाएंगे। ये लगभग 18 वर्षों से, जिस तरीके से इन्होंने मुझे जानकारी प्राप्त कराया, लगभग 18 वर्षों से गाड़ी साइकिल चलाते हैं और जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, उसके बाद फिर लौट के अपने स्थान पर चले जाते हैं। फिलहाल हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए। जय हिंद।